दोस्तों ये है एप्पल वॉच सीरीज 4। वैसे सीरीज 5 भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये जो सीरीज 5 है 44 mm, उसकी कीमत शुरू होती है 43,900 रुपीज़ से। वैसे जो एप्पल वॉच सीरीज 5 है इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट नहीं है, इसलिए मैं ये जो एप्पल वॉच सीरीज 4 है इसके साथ में ही रहने वाला हूँ। और ये जो एप्पल वॉच सीरीज 5 है इसमें एक यूनिक फीचर दिया हुआ है जो इसमें नहीं था, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। वैसे एप्पल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनकी अच्छी चीज़ ये होती है कि जब कभी एप्पल कोई नया डिवाइस को लॉन्च करता है तो उसमें जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपको एक साल पुराना या दो साल पुराने डिवाइसेस पर भी मिल जाता है। अब ये देखिए, ये जो एप्पल वॉच सीरीज 4 है इसमें वॉच ओएस 6 आ चुका है जो कि एप्पल वॉच सीरीज 5 में डिफॉल्ट आता है। और ये जो नया अपडेट आने के बाद एप्पल वॉच सीरीज 4 में एक फीचर था जो कि इंडियन यूजर्स के लिए एनेबल नहीं था, वो एनेबल हो चुका है और वो है ECG। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो अपडेट है इसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूँ, और साथ में ये जो ECG फीचर है वो किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों ये है एप्पल वॉच सीरीज 4 और एप्पल वॉच सीरीज 5 भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड स्मार्ट वॉचेज है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है एप्पल वॉच सीरीज 4। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको एप्पल वॉच सीरीज 4 खरीदना चाहिए या फिर एप्पल वॉच सीरीज 5 खरीदना चाहिए। अगर आपने पहले कभी एप्पल वॉच खरीदा नहीं है तो बेहतर होगा कि आप एप्पल वॉच सीरीज 5 के लिए जाइए। उदाहरण के तौर पे ये देखिए, जो एप्पल वॉच सीरीज 4 है जब मैंने खरीदा था तब वो लेटेस्ट था और अब सीरीज 5 आ गया है, लेकिन सीरीज 5 में इतना कुछ मुझे खास चीज़ें नहीं लगी इसलिए मैं अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप सीरीज 4 को देखें तो ये एक साल पुराना हुआ है। मान लीजिए जब ये सीरीज 4 अवेलेबल था उस समय अगर मैं सीरीज 3 खरीदता तो जो सीरीज 3 वॉच होता अब मेरे हाथ में वो दो साल पुराना होता। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कभी आप कोई नया मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट वॉचेस खरीदते हैं तो जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है मार्केट में वो खरीदिए अगर आपका बजट है तो। और वो इसलिए क्योंकि एक साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है और अगर आपके पास लेटेस्ट हार्डवेयर होगा तो एक साल के बाद वो एक साल ही पुराना होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एप्पल वॉच सीरीज 4 है जैसा कि मेरे पास, क्या आपको एप्पल वॉच सीरीज 4 अपग्रेड करना चाहिए, एप्पल वॉच सीरीज 5 के लिए जाना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपडेट और ECG के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो एप्पल सीरीज वॉच 4 है इसमें ECG फीचर तो था लेकिन वो कभी एनेबल नहीं था, लेकिन वॉच ओएस 6 के आने के बाद ये जो फीचर है ये अब एनेबल हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें वॉच ओएस 6.0.1 रन हो रहा है। इस अपडेट के बाद ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन जो ECG फीचर है वो एनेबल हो गया है और उसके लिए ये देखिए यहाँ पर ये आइकन भी ऐड हो गया है। ये देखिए, ये है ECG और इसे उपयोग करने के लिए आपको एक तो ये वॉच पहनना है, तो मैं इसे पहन लेता हूँ। तो ये जो ECG फीचर है इसे उपयोग करने के लिए जब आप एप्लीकेशन को एनेबल करते हैं, मतलब कि जो ECG ऐप है इसे एनेबल करते हैं, उसके बाद में आपको ये जो क्राउन है यहाँ पर आपको फिंगर इस प्रकार से पकड़ के रखना है। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिस प्रकार से मैंने हाथ को टेबल पर रखा हुआ है उस प्रकार से आपको हाथ को टेबल पर रखना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मैं बात भी कर रहा हूँ, इनफैक्ट बात भी नहीं करना चाहिए। और ये जो ECG फीचर है ये बहुत ही एक्यूरेट कह सकते हैं, ये आपका जो हार्ट बीट है उसे मेजर करता है, मतलब कि आपका जो हार्ट है वो रिदम में बीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका आइडिया मिल जाएगा और बस तकरीबन 30 सेकंड के आसपास का समय लगता है। ये देखिए, अब आपको बताता भी है कि एग्जैक्टली आपका जो हार्ट रेट है किस प्रकार का है, साइनस रिदम, मतलब कि मेरा जो हार्ट बीट है नॉर्मल किस्म का है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा और ये जो वॉच है आपको सजेस्ट करेगा कि आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें। और जो एप्लीकेशन है उसमें भी आपको इस प्रकार का रिपोर्ट मिल जाता है, अगर आप चाहें तो ये जो रिपोर्ट है अपने डॉक्टर को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन में कि जैसे ही आप ECG लेंगे ऑटोमेटिकली जो रिपोर्ट है आपके डॉक्टर को चले जाएगा। तो इस प्रकार के फीचर्स भी अवेलेबल हैं। हियरिंग के लिए भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। बेसिकली ये जो स्मार्ट वॉच है ये जो एनवायरमेंटल साउंड है उसे मॉनिटर करता है, अगर उसे लगता है कि जो साउंड आउटपुट बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको अलर्ट कर देगा। ये जो एप्पल वॉच सीरीज 4 और सीरीज 5 है इसमें ये बहुत ही यूनिक फीचर दिया हुआ है फॉल डिटेक्शन। इसे अगर आप इनेबल करेंगे तो मान लीजिए अगर आपने वॉच पहना हुआ है और आप गिर जाते हैं तो आपको एक अलर्ट नोटिफिकेशन मिलेगा वॉच पर, और अगर आप उस नोटिफिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो जो भी नंबर आपने डिफाइन किया हुआ है या इमरजेंसी नंबर्स आपने डिफाइन किया हुआ है उसे ये जो वॉच है ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट करेगा। तो जो एप्पल वॉच सीरीज 4 है या फिर सीरीज 5 है ये आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ को तो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ये आपके हार्ट बीट को भी मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अगर हार्ट बीट में मान लीजिए कुछ इररेगुलरिटी है, मतलब कि जो हार्ट बीट है वो प्रॉपरली रिदम में बीट नहीं हो रहा है, तो वो भी ये जो वॉच है मॉनिटर कर सकता है और आपको पीरियोडिकली अलर्ट्स भी दे सकता है।
इनफैक्ट कुछ लोगों की जाने भी एप्पल सीरीज़ वॉच ने बचाई है। अभी जो एप्पल वॉच सीरीज़ 4 है, इसका मैं तकरीबन काफ़ी महीनों से उपयोग कर रहा हूँ। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाता है, डिपेंड करता है कि मैंने कितने नोटिफिकेशंस को ऑन किया हुआ है। लेकिन इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो ये है कि इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन भी है और इसमें बिल्ट इन स्पीकर भी है। खास करके जब मैं ड्राइविंग करता हूँ तो ड्राइविंग के दौरान अगर मुझे कोई कॉल आता है तो मैं डायरेक्टली इस वॉच पर कॉल को रिसीव कर सकता हूँ। इस वॉच में बहुत सारे एक्सरसाइज मोड हैं और जब कभी आप उस प्रकार के एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो मोड है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर आपने वो मोड को सेलेक्ट नहीं भी किया हुआ है तो ये जो वॉच है फिर भी आपका जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसे मॉनिटर करता रहेगा और आप बाद में बताएगा, पूछेगा इनफैक्ट कि आपने कुछ एक्टिविटी की थी तो किस प्रकार की एक्टिविटी थी। तो ये जो स्मार्ट वॉच है बहुत ही एडवांस किस्म का स्मार्ट वॉच है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये एप्पल सीरीज़ वॉच है आपको एक एप्पल डिवाइस की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको एप्पल सीरीज़ वॉच 4 खरीदना चाहिए या फिर सीरीज़ 5 खरीदना चाहिए। अगर आपने पहले कभी एप्पल वॉच खरीदा नहीं है तो सीरीज़ 5 के लिए जाइए अगर आपका बजट है तो। और मान लीजिए अगर आपने पहले एप्पल वॉच खरीदा हुआ है, मान लीजिए एप्पल वॉच सीरीज़ 4 खरीदा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि सीरीज़ 5 अपडेट करने में कुछ सेंस बनेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है सीरीज़ 5 में और जो फीचर इसमें मिसिंग थे सीरीज़ 4 में, खास करके जो ECG फीचर था वो अब आ चुका है। तो सीरीज़ 4 के साथ में ही रहिए, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि अगले साल जब एप्पल वॉच सीरीज़ 6 आए उसमें हमें ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।